हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग। में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है, तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मूवीज़ के सबटाइटल से आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसे कहता है, मैं तुम्हें पूरे दिन फ़ोन करता रहा। आई हैव बीन कॉलिंग यू ऑल डे। आई हैव बीन कॉलिंग यू ऑल डे। मैं तुम्हें पूरे दिन फ़ोन करता रहा। माइक, इसलिए मैं यहाँ हूँ, कुछ ज़रूरी लग रहा था। Mike, that's why I'm here. Sounded important. Mike, that's why I'm here. Sounded important. Mike, इसलिए मैं यहाँ हूँ, कुछ ज़रूरी लग रहा था। ये उसको बोलता है। मैं बाहर निकल रहा हूँ। I am pulling out. मैं बाहर निकल रहा हूँ। I am pulling out. वो उससे पूछता है, कोई परेशानी है क्या? Is there a problem? कोई परेशानी है क्या? Is there a problem? Is there a problem? कोई परेशानी है क्या? वो कहता है उससे, 2 महीने हो गए और कोई रिटर्न नहीं मिला। इट्स बीन 2 मंथ एंड नो रिटर्न। इट्स बीन 2 मंथ एंड नो रिटर्न्स। 2 महीने हो गए और कोई रिटर्न नहीं मिला। मैं समझता हूँ फ्रैंक, सुनो। आई अंडरस्टैंड फ्रैंक, लिसन। मैं समझता हूँ फ्रैंक, सुनो। आई अंडरस्टैंड फ्रैंक, लिसन। अभी सही समय नहीं है हमारे साथ अकाउंट खाली करने का। नाउ इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू क्लियर योर अकाउंट विद अस। Now is not the best time to clear your account with us. अभी सही समय नहीं है हमारे साथ अकाउंट खाली करने का। ठीक है माइक। ओके माइक। यह बात है। Here's thing। यह बात है। Here's thing। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग वहाँ पर कुछ बकवास कर रहे हो। I am pretty sure you guys are into some shit over there. I am pretty sure you guys are into some shit over there. मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग वहाँ पर कुछ बकवास कर रहे हो। आई एम प्रिटी श्योर यू गाइज आर इंटू सम शिट ओवर देयर। यह सब कानूनी हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। मे बी सम ऑफ इट लाइक इट बट नॉट ऑल ऑफ इट। मेरे बेटे की ट्यूशन, गुजारा बत्ता। माई सन ट्यूशन एलिमनी। माई सन ट्यूशन एलिमनी। वो उसको बताता है कि उसको क्या ज़रूरत है। मेरे बेटे की ट्यूशन, गुजारा भत्ता। माई सन ट्यूशन एलिमनी। एलिमनी यहाँ पर जो यूज़ करा गया वर्ड, वो गुजारा भत्ता के लिए होता है। मैं अब और जोखिम नहीं ले सकता। आई कांट रिस्क इट एनी मोर। मैं अब और जोखिम नहीं ले सकता। आई कांट रिस्क इट एनी मोर। आई कांट रिस्क इट एनी मोर। मेरे को पैसा चाहिए। आई एम कैशिंग आउट। मेरे को पैसा चाहिए। आई एम कैशिंग आउट। पूरे 85,000। ऑल 85,000। पूरे 85,000। ऑल 85,000। यह सारे। ऑल ऑफ इट। यह सारे। All of it. Frank, चलो बस मुझे 1 महीना दे दो। Frank, come on, just give me 1 month. Frank, come on, just give me 1 month. वो उससे 1 महीना मांगता है। मैं आज रात तक तुम्हें पैसा भेज दूंगा। I'll transfer your money tonight. मैं आज रात तक तुम्हें पैसा भेज दूंगा। I'll transfer your money tonight. I'll transfer your money tonight. वो कहते थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। इसमें जैसे कि हमने कुछ वर्ड देखे थे, साउंडेड इम्पोर्टेंट, जो स्टार्टिंग में कहता है कि मुझे लगा था कि कुछ ज़रूरी है बात है। तो जो हम यूज़ होता है वर्ड यहाँ पर, साउंडेड इम्पोर्टेंट मतलब इसका ज़रूरी लगना, कोई चीज़ ज़रूरी लगा, इसलिए साउंडेड इम्पोर्टेंट। लीगल या लेगेट, इसका मतलब होता है कानूनी। कानूनी चीज़ों के लिए लीगल या लेगेट का वर्ड का यूज़ होता है। एलिमनी, एलिमनी मतलब गुजारा भत्ता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए।